दोस्तों आप इस दुनिया में किसी भी मखलूक का बच्चा देख लें तो वो आपको खूबसूरत ही लगेगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे साइंस भी बयान नहीं कर सकती। और आज हम आपको दुनिया में मौजूद कुछ ऐसे जानवरों के बच्चे दिखाएंगे जिन्हें देखकर कम से कम आपको एक बार तो प्यार जरूर आएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, बेबी पांडा। एक बड़े पांडे को देखकर तो शायद आप डर जाएं, लेकिन अगर आप पांडे के छोटे बच्चे को देखेंगे तो आपका दिल यकीनन इनके साथ खेलने को करेगा, क्योंकि ये होते ही इतने क्यूट और मासूम जिनके बाद इन्हें हर कोई खिलाना चाहेगा। जब एक बेबी पांडा पैदा होता है तो उस टाइम वो बहुत ही कमजोर होता है और इनके अज़ा भी बहुत कमजोर होते हैं, जिसकी वजह से वो 3 माह तक खड़े भी नहीं हो पाते। पैदाइश के बाद 6 माह तक बेबी पांडा मुकम्मल तौर पर माँ के गर्म दूध और तहफ्फुज़ पर इन्हिसार करता है। नंबर 2, व्हाइट बैट। दोस्तों आप सब ने ब्लैक बैट को तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट बैट देखा है? ये बैट भी ब्लैक बैट की तरह ही होते हैं, लेकिन ये घरों की बजाय जंगल में पाए जाते हैं और देखने में इनके बच्चे बहुत ही क्यूट नजर आते हैं। नंबर 3, बेबी ऑक्टोपस। दोस्तों ये एक बेबी ऑक्टोपस है और इसे देखने के साथ साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि इसका साइज नॉर्मल ऑक्टोपस से तो बहुत छोटा है, जो देखने में बहुत ही क्यूट नजर आ रहा है। नंबर 4, बेबी बियर। गाइस जब बेबी बियर पैदा होता है तो इसका वजन सिर्फ 1 पाउंड तक ही होता है। जब ये पैदा होते हैं तो उस टाइम इनके बाल बहुत ही सुनहरे होते हैं, लेकिन इनके बाल इतने बारीक होते हैं कि ऐसा लगता है इनका कोई वजूद ही नहीं। इनके बच्चे भी पैदाइश के वक्त अपनी आंखें नहीं खोल सकते, क्योंकि वो बहुत ही कमजोर होते हैं। इसी वजह से वो इब्तदाई 6 महीने अपनी माँ के साथ ही गुजारते हैं। नंबर 5 पर है इस वीडियो का सबसे खूबसूरत बेबी, जो कि एक बेबी कैट है। जी हाँ, बिल्लियों के बच्चे अपने चिंचिल और पुरजोश बर्ताव की वजह से मशहूर हैं, जो इसे एक प्यारा पालतू जानवर बनाती हैं। बिल्ली के बच्चे नीली आंखों के साथ पैदा होते हैं। इनके आजदाना और बाज़ औक़ात शरारती रवैये की वजह से इन्हें पूरी दुनिया में एक बड़े पैमाने पर पसंद किया जाता है। दोस्तों ये थी कुछ खूबसूरत बेबी एनिमल्स की लिस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो न्यू चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। शुक्रिया।